नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में चुनावी तारीख घोषित होने के बाद सभी दल उत्तराखंड सियासत में अपनी मजबूत दावेदारी का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और अब मुस्लिम वोटरों पर सेंध लगाने के लिए ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम भी उत्तराखंड की कई विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे अन्य दलों के खेमों में हलचल होना तय है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने बताया कि प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो गई है। इस बार तीसरी पार्टी एआईएमआईएम विकल्प के रूप से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों केवल लोगों को भ्रमित कर जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार जनता जागरूक हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे एक बैरिस्टर हैं और हम लोग उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। तमाम दल ऐसे हैं जो अपने आप को सेकुलर तो कहते हैं, लेकिन उनमें सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। हर वर्ग जो है इनसे परेशान है, चाहे वो दलित है, मुस्लिम है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या और जो भी जनरल समाज है। यहाँ दो ही पार्टी रही हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों पार्टियों से लोग आजीज आ चुके हैं। आज हर व्यक्ति तीसरे विकल्प की तलाश में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग लगभग 4 या 5 सीटों पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें कुमाऊं मंडल भी है और गढ़वाल मंडल भी है। दोनों मंडलों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, खासतौर से हरिद्वार ज़िला हुआ। आज मजलिस के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मतीन सिद्दीकी साहब, जो कांग्रेस में मंत्री भी रहे पहले, और उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर आज मजलिस का दामन थामा है, और आज बैरिस्टर साहब के आदेश पर उनको हल्द्वानी से प्रत्याशी भी घोषित किया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने लंबे समय के इंतजार के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मंगलौर से दिनेश पवार पर भरोसा जताया। दिनेश पवार को मंगलौर से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गले में फूलमाला डालकर दिनेश पवार का भव्य स्वागत किया। जो मंगलौर की जनता है उनकी पूरी आशा है, उनके विश्वास को जीतना है, और उनकी सबकी आशा यह है कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, और इस उम्मीद से हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले भी हाजी अर्चकाजी पहले भी हारे हैं चुनाव, ऐसा नहीं कि हमेशा यही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि यहाँ पर दूसरा भी विकल्प है और मजबूत विकल्प है, तो जनता अवश्य भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज मंगलौर की जनता बहुत परेशान है, ग्रस्त है, और वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चुनाव में जिताएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव से पहले डोईवाला विधानसभा से चुनाव न लड़ने के फैसले ने जहां एक और सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर डोईवाला की जनता ने सरकार की पोल खोल कर रख दी। इस मुद्दे को लेकर देहरादून से हमारी संवाददाता निशी भाटिया ने डोईवाला की जनता से बातचीत की। क्या कहा डोईवाला की जनता ने, सुनिए। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी में, जहाँ लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बेशक धरातल पर सर्दी जरूर है, लेकिन सियासी में गरमाई हुई है। इसी के साथ हम आज यहाँ पर मौजूद हैं लोगों से बातचीत करने, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो डोईवाला विधानसभा से चुनाव लगातार लड़ते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बैकस्टेप करने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है कि वो डोईवाला से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कि 2022 विधानसभा चुनाव में एक और बहुत ही बड़ा भूचाल लाया है। तो इसी के मद्देनजर हम जनता से उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आपको क्या लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहा। कोई काम ही नहीं किया है उन्होंने, तो किस बेस पे लड़ेंगे, किस बेस पे दिखा जाएंगे लोगों के पास, क्या मांग के लाएंगे, क्या उनके पास वो है, क्या किस चीज़ के लिए वो मांग सकते हैं कि हमने ये काम किया और हमें वोट दीजिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हारने से अच्छा है बैकआउट ही कर लो। तो आपको क्या लगता है कि वो अब कौन सी सीट से चुनाव लड़ने के लिए अब अपने हाईकमान को बोले? मेरे ख्याल से तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं अखबार में पढ़ रहा था सुबह, तो उन्हें लग रहा है कि सिचुएशन ख़राब है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी बेइज्जती क्यों कराई जाए। एक रेपुटेशन में जीते हुए वो हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो
उसके बाद वो हारेंगे तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। अभी तो उनके साथ लग गया है ना पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा कि यही वाली गलती एक बार नित्यानंद स्वामी जी ने की थी जो पहली बार बने थे मुख्यमंत्री जी। वो अच्छे खासे मुख्यमंत्री जी थे, अगर वो रिटायर भी होते तो मुख्यमंत्री होते। उन्होंने उसके बाद इलेक्शन हार गए, वो क्या हुआ उनको बताओ, फिर तो हारे हुए हो गए ना, फिर कौन पूछता उनको। ये सिचुएशन है ना, और सिचुएशन क्या है कि कोई मुद्दा है नहीं कि इस बात पे लड़ेंगे, कोई ऐसे वो तो है नहीं कि पहले तो आ गए कि राम जन्मभूमि के इसमें बहुत सारी चीज़ों में आ गए, अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बैकआउट होने से अच्छा है ना, कि कम से कम एक इज्जत तो बनी रहेगी ना, लोग याद रखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, अगर वो हार गए तो कितनी बेइज्जती की बात है। अब ये देखिए ना, तो कहीं ना कहीं जो उनके बैक स्टेप होने का ये एक बहुत बड़ा कारण कुछ और भी हो सकता है, पर आपके हिसाब से क्या है इस वक्त ऐसा मुद्दा, क्यों एकदम चुनाव आते ही उन्होंने इतनी बड़ी बात कही? क्योंकि उन्हें पता है कि पहली बात तो ये लोग पूछेंगे कि लोगों ने तीन तीन मुख्यमंत्री क्यों बदले, तीन आप जब किसी को जॉब नहीं दे पाए, यहाँ बैठे थे दो दो तीन तीन महीने तक लोग, बुजुर्ग औरतें बैठी थी, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया और आपने तीन मुख्यमंत्री बदल दिए। तीन मुख्यमंत्री बदलने क्या का मतलब है कि आपने तीन लोगों की पेंशन बांध दी ना, उनको तो पेंशन मिल रही है, उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही है, क्या तरीका है कि पाँच साल में आप तीन मुख्यमंत्री बदल रहे, यानी कि आपको मुख्यमंत्रियों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तो आपने बदले। और उसके बाद जब लोग बैठे थे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उनको छोड़ने के बाद अब मुख्यमंत्री बदल रहे, उनकी पेंशन बांध रहे, कोई लॉजिक नहीं बनता ना। और लोग सब बेवकूफ़ थोड़ी हैं, समझदार हैं लोग, सबको पता है, सब में दिमाग है, रोटी खाते हैं सब लोग, सबको मैं दिमाग का यूज़ करते हैं, उन्हें पता है ना कि क्या नहीं किया, किस लिए मेरे घर पर आएंगे, क्या बोलेंगे बताओ मुझे आप। मेरे कोई घर में आता है बीजेपी का नेता तो मेरे से क्या बोलेगा, हमने कौन सा काम किया आप बताइए। सत्यानाश करके रख दिया देहरादून का, देहरादून वालों को तो अपने यहाँ जगह रहने मिली, तुम बाहर वालों को बसा रहे, क्या लॉजिक बनता है बताइए। यहाँ पे गढ़वाली लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, आप वहाँ से ला रहे तिप्ते लोग, वो ऐश कर रहे हैं और तुम लोग अपने लिए एक 60 गज का प्लॉट के लिए मर रहे हैं। खरीद सकते हैं क्या, जमीन इतनी महंगी हो गई है देहरादून में बताइए, आप बाहर के लोगों को क्यों बसा रहे, आपके घर में अपने घर वालों के लिए तो खाना है नहीं है, बाहर वालों को बुला के क्या लॉजिक बनता है मुझे बताइए, कोई लॉजिक ही नहीं है। आपको क्या लगता है डोईवाला से इस बार कौन चुनाव जीतेगा? पता नहीं मैम, अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, अब वन साइडेड तो है नहीं कि एक जना कोई खड़ा होगा और कहेगा कि मैं जीत गया, इस बार सिचुएशन इतनी वो क्रिटिकल है कि ये दोनों तो छोड़ दीजिए बीजेपी, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को बहुत होगा, बहुत अच्छी सीटें निकालेंगे उनकी। एक नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के वर्कर नहीं हूँ ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ जो सिचुएशन ये है कि बीजेपी कांग्रेस वालों को देख लिया, अब आम आदमी पार्टी को उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सब मुद्दे जो तमाम उत्तराखंड में भी लगातार बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन हुए हैं और बीजेपी अपने कार्यकाल में किस तरीके से काम किया है, तो इस पर आप क्या राय रखेंगे अपनी कि इस बार कौन सी सरकार सबसे पहले आएगी? देखिए अब टक्कर तो बीजेपी कांग्रेस में ही है, पर आपकी सरकार भी वो देगी, इसमें टक्कर देगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो जीरो पे रहेंगे। कि आप लोग बहुत परेशान हो गए एक चीज़ से, इन्होंने कोई काम नहीं किया, हकीकत बता रहा हूँ, मतलब उसने कोई काम नहीं किया है। आप देख लीजिए कि शहर का इन्होंने एक वो खोद दिया जो मेन था, आप गांधी पार्क की हालत देख लीजिए नीचे, या घास तक तो लगा नहीं सके इतने सालों में, जो एक मेन पार्क है पूरे देहरादून का, आप उसे क्या उम्मीद कर रहे हैं बताइए, आप कौन सी आपकी सिचुएशन है। अब मैं डेली गाजियाबाद में रहता हूँ, ऐसे पार्क चमकते हैं कि आत्मा तृप्त हो जाए देख के, यहाँ पे आप हाल देख लीजिए क्या आप एक सबसे देहरादून का एक फेमस पार्क है आपको पता ही है, जो पूरे शहर का आदमी आता है बता दिए, देख लीजिए आप खुद देख लीजिए, और आप आए होंगे तो हालत देख लीजिए, बनी हुई चीज़ों को तोड़ रहे हैं, उसके बाद किस लिए तोड़ रहे हैं भाई, बनी हुई चीज़ है आप, क्या तो लॉजिक है कि आपने तोड़ दिया, इसका मतलब क्या है? तो ये कब से काम चल रहा है यहाँ पर, अभी मैंने देखा खुदाई, अभी आज ही तो तोड़ा ही है। तो इससे पहले क्या स्थिति थी, साफ था यहाँ पर? नहीं साफ तो कभी भी नहीं था, मतलब पार्क के नाम पे पार्क तो कहीं नहीं सकते, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी चीज़ देख ली, उसके बाद आप देखोगे तो आपको लगेगा ना कि क्या है यहाँ पे पार्क, घास तक नहीं है, देख लीजिए नीचे कैमरा करके, कहाँ लग रहा है आपको कोई बैठने के लिए, कोई फैसिलिटी नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं है। एक पार्क में आपको पानी तक नहीं मिलेगा, जो बेसिक चीज़ है, क्या पियेंगे आप बताइए। तो अब हम जैसा कि इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैक स्टेप इसलिए करा कि कहीं ना कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए आगे 2022 विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साल के अंतर्गत जो तीन मुख्यमंत्री बदले उसके बाद स्थिति कुछ इस प्रकार की होगी कि लोग बीजेपी पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। अब और लोगों से जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इतने बड़े फैसले पर, डोईवाला विधानसभा चुनाव ना लड़ने पर अभी जनता किस मूड में है और क्या इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से स्थिति बदल जाएगी। आप बताइए कि 2022 विधानसभा चुनाव में अब जो डोईवाला से चुनाव लड़ते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो अब नहीं लड़ रहे, उन्होंने जेपी नड्डा को पत्र लिखा, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया रखेंगे? इसमें हम क्या बता सकते हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने डोईवाला विधानसभा से चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया? कुछ कुछ तो बात होंगे तभी तो नहीं लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि
त्रिवेंद्र सिंह रावत का इतना बड़ा बैकस्टेप चुनाव से पहले, क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह? देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो यह है कि एसेंशली वो अपने आप को बिट्रेड फील कर रहा है कि मुझको एट द जेनिथ ऑफ माय करियर बिट्रे कर दिया गया, और या फिर यह है कि ही इज़ बीन ऑफर्ड सम रोल इन द सेंटर, जिसकी वजह से वो इसमें नहीं आना चाहते, पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, और उसके बाद में ही हैव ग्रीनर पास्चर्स टू फेस। यस, तो लाइकलीहुड उसमें यही है कि ही इज़ लुकिंग इन फॉर सम रोल एट द सेंटर। तो आपको क्या लगता है कि इस बार डोईवाला से शायद कौन आगे आ सकता है? उसका मैं नहीं कह सकूंगा, क्योंकि पहले तो ये था कि हरक सिंह रावत प्रॉब्ली हैड अ चांस टू रीच देयर, और अब जैसे हीरा सिंह बिष्ट लड़ते हैं डोईवाला से, तो एक फॉर्मेटेबल कैंडिडेट चाहिए होगा। वो मुझे मालूम नहीं है कौन आएगा यहाँ पर। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको एक साल के अंतर्गत 3 मुख्यमंत्री बदले, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी पद ग्रहण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये निर्णय और ऊपर से आप डोईवाला से चुनाव ना लड़ने का निर्णय कहीं सियासी माहौल गड़वा सकता है? सियासी माहौल तो हमेशा ही गरमाया हुआ रहता है यहाँ पर, और उसके साथ साथ में ये कोई ख़ास बड़ी खबर नहीं है या कोई ख़ास ज़्यादा ध्यान देने वाली बात इसलिए नहीं है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत नाउ इज़ अ स्पेंट हॉर्स। अब उसके ऊपर दोबारा से तो कोई पैसा फेंकेगा नहीं, तो ऑब्वियसली वो धामी जो है वो अपने आप को ज़्यादा कंसोलिडेट करने के लिए कुछ ना कुछ पत्ते खेल रहा होगा। तो आपको क्या लगता है इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, बिकॉज कॉमन मैन चाहे जितना भी त्रस्त हो लेकिन स्टेबिलिटी चाहता है वो, और उसके साथ साथ में ये भी चाहता है कि यह देश हित में काम हो। पिछली सरकारों में जो भी देखा वो स्कैम स्कैम स्कैम्स ही नज़र आए हैं, चाहे इन्होंने बहुत कुछ डिलीवर नहीं किया है लेकिन कम से कम स्कैम्स तो नहीं हुए हैं, और जो प्रॉमिस किया है उसकी तरफ कोशिश भी कर रहे हैं कि वो अचीव कर पाएँ, हालांकि उनकी बहुत पीछे खींचा भी जा रहा है। तो बीजेपी उस अकाउंट पर तो लगता है कि वही आएगी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत के पीछे की असल वजह शायद कहीं ना कहीं उनका बैकस्टेप करना जनता को अच्छा लगता था, इसलिए डोईवाला की जनता का भी कहीं ना कहीं यही मानना था कि शायद उनके विकास कार्यों में कहीं ना कहीं अधूरी नजर आई, और कहीं ना कहीं उनके जो पिछले साल एक साल के अंतर्गत जो 3 मुख्यमंत्री बदले कहीं ना कहीं उसका असर भी जनता पर बना हुआ था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या चुनावी मुद्दा है, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, हिंदुत्व या किसान, इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंची न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम और लोगों से जानी उनकी राय। इस दौरान क्या कहना है लोगों का आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं निशा भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद है उत्तराखंड की राजधानी के मशहूर बाजार पलटन बाजार में, जहाँ 2022 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख माहौल गरमाया हुआ है। उत्तराखंड में यहाँ सर्दी जरूर है लेकिन सियासत में कितनी गर्मा गर्मी मची है ये हम जनता से खुद पता लगाएंगे, और किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड अब सरकार का बनकर निकलता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ जो लगातार मुद्दे उभर उभर कर आ रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा कहें या किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा कहें या फिर हम किसी भी एक ऐसे अहम मुद्दे को, चाहे वो बेरोजगारी की बात की जाए चाहे रोजगार की बात की जाए, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ जनता से बातचीत करेंगे कि इस 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा इस बार क्या होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है। देखिए, पलायन का विषय बहुत बड़ा है इस उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जो हमारी इसकी राज्य की सीमाएं हैं वो नेपाल चाइना बॉर्डर से मिलती हुई हैं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं पलायन जो 4000 गांव कुमाऊँ और गढ़वाल के बिल्कुल वहाँ पर एक मनुष्यविहीन हो चुके हैं, वहाँ पर उनके घर जो थे वो खंडर हो चुके हैं, और इस तरफ आज तक 2000 से लेकर अब 2022 तक आप देखिएगा किसी भी मुख्यमंत्री ने, प्रदेश मुखिया ने उस तरफ चिंता नहीं की। तो आज ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिन मानबिंदुओं के लिए इस प्रदेश का निर्माण हुआ था आज वह सब दरकिनार किए गए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अगर ये सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं पलायन, बेरोजगारी,
और जो वहाँ के लोकल युवा हैं उनको वहीं रोजगार मुहैया कराने की जो पहल है उसमें पुष्कर सिंह धामी सफल होंगे, तो हमें भरोसा है युवा नेतृत्व है तो कहीं ना कहीं वो इस प्रदेश की समस्याओं को गहराई तक जाएंगे और जमीनी स्तर पर काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार शायद कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक मुद्दा बन सकता है? देखिए, हिंदुत्व मुद्दा है नहीं, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार है। यहाँ पर आपके मानव हिंदुओं से कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आपके हकों पर डाके नहीं डालना। जब आप देखिएगा मुद्दे की बात करें तो आज हिंदुत्व के लिए सब चीखते हैं, पुकारते हैं। जब 47 में देश का बंटवारा हुआ तो आप मानिए कि पाकिस्तान मुस्लिम देश बनाया गया। क्यों बनाया गया और उसको मांगने वाले कौन लोग थे? उसको मांगने वाले यहीं के रहने वाले मुस्लिम लोग थे। वो कट्टरपंथी थे जो कहते थे हाँ हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी शायरी। कहाँ की तहजीब की बात करते हैं आप बताइए, वो तहजीब कहाँ गई थी जब उन्होंने 47 में बंटवारे में पाकिस्तान मांगा? और आज भी अगर भाजपा सरकार ना हो तो वह फिर एक नए बंटवारे की ओर चल रहे हैं, और जिस प्रकार से जिन्ना की जगह पूरे दिन ओवैसी और ओवैसी ब्रदर्स लगे हुए हैं। और जो बात कर रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार ना हो तो शायद कहीं ना कहीं ये भी नए देश की मांग करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं हिंदुत्व का सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, भाजपा ही करती है, अब ये मानिए क्या। और सारा विपक्ष, ये पहला इलेक्शन होगा जो राम के ऊपर, शिव के ऊपर और मथुरा में श्री कृष्ण के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। वरना आज तक तो टोपी पहनकर स्टार पार्टियों में शामिल होने वाले नेताओं ने अपने आप को आगे किया है। आज पहली बार श्री राम मंदिर के लिए ये वोट मांगे जा रहे हैं, और उन पार्टियों के द्वारा मांगे जा रहे हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को भी नकार दिया था। वो लोग आज राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो लोगों को जूते मारने चाहिए। सनातन समाज से जुड़े लोगों को जूते मारने चाहिए उन लोगों के जिन्होंने आज राम के ऊपर वोट मांगने का तय किया, जबकि भाजपा सदैव से हिंदुत्व प्रेमी रही है। और आज 500 सालों में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वह भाजपा के कार्यकाल में ही हुआ है, और उसका श्रेय उसको ही जाता है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, हम प्रयास करेंगे कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग पढ़कर हिंदुत्व विचारधारा के साथ उभर कर आए और भाजपा ही चरम पर रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो इससे पहले कांग्रेस भी थी अपने कार्यकाल में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू को सपोर्ट नहीं किया, और क्या था उस टाइम का माहौल? देखिए, मैं बताता हूँ, कांग्रेस का कार्यकाल कहीं नहीं रहा। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देखिए, 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश आज सिर्फ वहाँ 5 करोड़ मुस्लिम समुदाय के लोग निर्णायक भूमिका में दिखा रही है। आप मीडिया की बात करें तो आप मीडिया का जो चैप्टर दिखा रहे हो उसमें अलग अलग हिंदू को बांट दिया जा रहा है, और आप ये नहीं देख रहे जिहाद के नाम पर, इस घिनौनी मानसिकता के नाम पर ऐसे ऐसे लोग उग गए हैं जो मस्जिदों से फतवे जारी कर रहे हैं, मदरसों से बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज अगर 2.5 लाख की योजना मकान बनाने के लिए किसी को दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, वो ना हिंदू देखा जाता है, ना मुस्लिम देखा जाता, ना सिख ना ईसाई, हर गरीब को वह सुविधा दी जाती है। लेकिन मुस्लिम मुफ्ती जिस प्रकार के यहाँ भी पैदा हो रहे हैं देवभूमि में, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं शायद हिंदुत्व को सपोर्ट जो है भाजपा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार आनी चाहिए, वरना अगर किसी और की सरकार आती है तो शायद कोई जो बाकी समाज के लोग हैं वो नए देश की मांग करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा आपके लिए क्या होने वाला है, जो चुनावी मुद्दा बनेगा आपके पास? मेरे लिए अहम मुद्दा ये होगा कि जो विधायक या जो भी सिटिंग MLA है वो अपनी जनता को मतलब अपने दोस्त के साथ मतलब जैसे एज अ फ्रेंड लेते हैं वैसे लेके चलें, ये नहीं कि सिर्फ चुनाव आते हैं तभी हमें पूछने आए हालचाल उसके बाद फिर भूल जाएं, जैसे कि अक्सर होता है। अब जैसे चुनाव आने वाले हैं तो अभी सबकी मीटिंग्स, अभी सबका आना जाना शुरू हो जाएगा, और ये 4 साल में कहाँ थे हम इनसे पूछना चाहेंगे, है ना। बस तो आपके हिसाब से कौन सा अहम मुद्दा होगा जो इस वक्त सरकार को करना चाहिए था और जो नहीं कर पाई है सरकार? देखो, मुद्दे वाली बात है, व्यापारी तो वैसे ही परेशान है, ठीक है ना, व्यापारी इस वजह से परेशान है। पहले तो स्मार्ट सिटी की उससे परेशान किया गया कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय स्मार्ट सिटी का कार्य उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जैसे ही बाजार खुले और लॉकडाउन हटा उसके बाद स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू कर दिया गया, तो व्यापारी उस समय भी परेशान था और आज भी परेशान है। जब ये नाम नहीं लूँगा मैं, जो हमारे क्या कहते हैं महापौर जी हैं, जब से यहाँ आए हैं तब से इन्होंने व्यापारियों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है। पहले तो मतलब स्टैंड वगैरह थोड़े बहुत लग भी जाते थे, थोड़ा बहुत व्यापार चल भी जाता था, जब से मतलब इतनी सख्ती कर दी है स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने कि मतलब आदमी एक हैंगर तक नहीं टांग सकता। अब जैसे चुनाव आए हैं तो ये सारी चीज़ें भूल गए हैं, क्यों भूल गए हैं, ताकि हम लोग प्रसन्न हो जाएँ और उसके बाद इनको वोट दे दें। उससे पहले हम लोग इनके साथ नहीं थे, या हम इनकी जनता या हम इनके प्रशासन में नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी ऐसी सरकार होगी
जो आपके इन मुद्दों की बात सुना? भैया हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो मतलब जनता का कार्य करे जीतने के बाद भी, ये नहीं कि जीतने के बाद फिर जो है उसके अंदर एटीट्यूड आ जाए या फिर वो पहचानने से या मतलब अगर उसके पास जाएं तो राम राम करने से भी मतलब हमें परहेज करे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हमने देखा भी है, खुद भी महसूस किया, हमारे साथ हुआ है ना ऐसा। आपके क्षेत्रीय विधायक कौन? खजानदास जी। तो वो आए हैं यहाँ पर कभी आपसे? बहुत कम, बहुत कम। और किन विकास कार्यों की आप बात कर रहे हैं, वो कितना हुआ है? विकास कर रहे हैं आप पलटन बाजार में जाके देखें कितना पैसा लगा है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि मतलब जैसे अगर कोई 10 रुपये का काम हुआ है आप वहाँ पे अगर ये कार्य खुद करवाते हैं तो मुश्किल से ये 5-7 रुपये में हो जाता, 10-15 रुपये खर्च हो चुके हैं। कहाँ से खर्च हुए, ये किसके पैसे थे? जनता के तो पैसे थे, तो मिसयूज हुआ ना इसका, मिसयूज हुआ ना। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये एक अहम मुद्दा बन सकता है, खासकर चुनाव आते ही जो लोगों के तेवर बदल जाते हैं, विधायकों के तेवर बदल जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं जनता अभी भी परेशान है। लगातार समस्याएं लोगों की कम नहीं हो रही हैं, लगातार जनता चाहती है कि सरकारें उनके पहले विकास की बात करें, जो महंगाई और जो भी निजी मुद्दे हैं उन पर सरकार पहले ध्यान दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार। विधानसभा चुनाव के लिए अमरोहा में 4 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट में चारों विधानसभा के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया के लिए एसपी के साथ 150 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। वहीं बता दें कि उम्मीदवार घर से भी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जो बाइक पर सवार असलाह से लैस नकाबपोश अज्ञात बदमाश ज्वेलरी की दुकान से करीब 32 लाख रुपए कीमत के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सोने की चेन खरीद करने के बहाने बदमाश आए और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है, जल्द ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत वीरता ज्वेलर्स की शॉप से दो बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित करने की तहरीर आई, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जांच की जा रही है, टीमें लगा दी गई हैं, जल्दी ही खुलासा कर दिया जाएगा। घटना सर हुई, चैन आके मांग रहा था, चैन बोले कि चैन नहीं है इस टाइम, अंगूठी तो कह रहा कि अंगूठी दिखाइए, अंगूठी दिखाई, उसके बाद गन निकाल के दिखाने लगा और बोला कि सब माल भरो नहीं तो गोली मार देंगे। कितने रुपए का सामान लिया सर? 600 ग्राम सोने का माल था, 8-10 किलो चांदी का, 30-35 लाख का माल था। बिजनौर में एक ग्राम प्रधान के साथ तहसीलदार की तरफ से फोन पर की गई बदसुलूकी का ऑडियो वायरल होने के बाद प्रधानों में भारी रोष है। प्रधान संघ ने तहसीलदार के खिलाफ एक ज्ञापन डीएम के नाम एसडीएम सदर को सौंपा है। नगीना तहसीलदार अनुराग ठाकुर पर ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रधान फैजल अंसारी दौलताबाद के साथ नगीना के तहसीलदार अनुराग ठाकुर ने फोन पर बदसलूकी करते हुए उनको पद से हटाने की धमकी भी दी है। विज्ञप्ति का है, एक कब्रिस्तान को लेके एक मैटर चल रहा था यूके लिप्टिस का, कमेटी के पास 50 पेड़ों की अनुमति थी, पटवारी ने उसको रुका दिया गया था, मेरी सपोर्टिंग में दे दिया गया था, जब मेरी सपोर्टिंग में दे दिया गया तो कमेटी एसडीएम साहब के पास गई अपने पेपर लेके, एसडीएम साहब ने कोतवाली थाना देहात को अपना निशान के लिए वहाँ से वो कर दिया गया, एसएचओ साहब ने दोनों पक्ष को बुला के उसका निशान किया गया। पूर्व उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से जहां लोग ठिठुरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं औरैया में 3 दिनों के बाद निकली धूप से लोगों ने राहत की सांस ली है। व्यापारियों और नगरवासियों की माने तो गलन वाली ठंड के कारण व्यापार भी प्रभावित हुआ। फेरी करके अपना भरण पोषण करने वाले साधु और श्रद्धालुओं की माने तो ऐसी सर्दी कई सालों बाद पड़ी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिन बाद धूप निकलने से राहत मिल रही है। गुप्पा जी बात है, अल्लाह के करम की बात है कि आज उसने धूप निकाल के इंसान की टीम इंसान को बहुत सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि आदमी सर्दी से बेहाल था, लेकिन आज अल्लाह की कृपा से अल्लाह के करम से आज सूर्य ने अपने दर्शन दिए, उन लोगों को बड़ी शांति का मतलब शांति मिल रही है। इस दौरान में इस सर्दी में सर्दी ठंडी हवाओं में बारिश में तमाम पशु पक्षी जो लोग बेघर हैं, हमारे जानवर वो भी बेचारे बड़े परेशान हो रहे थे।
औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में डबल मर्डर की अभी पुलिस गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि कुछ मीटर की दूरी पर एक खंडहर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की कन्नौज रेंज के IG प्रशांत कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना क्षेत्र का मामला है, तो इसमें दो बुजुर्ग लोग मृत पाए गए थे। आज उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अवेट कर रहे हैं। मृत्यु के जो भी कारण हैं, जो घटना के पॉसिबल कारण हो सकते हैं, उन सारे कारणों का को समझने के लिए और क्या कारक हो सकते हैं, कहां से हो सकते हैं, उनके लिए मैं आया था। मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और उचित दिशा निर्देश जो हैं लोकल पुलिस को दिए जा रहे हैं। घटना का अनावरण शीघ्र करवाया जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।